डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना सीखिए, चाहे वो कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना हो। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी कि ये जो प्रॉब्लम दी हुई है, इस प्रॉब्लम के थ्रू आपको लीनियर इक्वेशंस के पेयर मिलने वाले हैं, और उनके थ्रू करना क्या है, फाइंड देयर सोल्यूशंस ग्राफिकली। आपको उसके सोल्यूशन ग्राफिकली फाइंड आउट करना है। क्लियर कट यहाँ पे लिखा हुआ है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। आपको उसके सॉल्यूशन को ग्राफिकली फाइंड आउट करना है। इसका ये जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, इसको ध्यान से पढ़िए कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, यानी कि क्लास 10th में 10 स्टूडेंट्स हैं, टुक पार्ट, उन्होंने पार्ट लिया हुआ है मैथमेटिक्स क्विज के अंदर, कोई क्विज हो रही है उसके अंदर पार्टिसिपेट किया हुआ। अब यहां पे कुछ प्रॉब्लम्स कंडीशंस दी हुई हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि जो गर्ल्स की संख्या है वो बॉयज की संख्या से 4 ज्यादा है। क्या लिखा हुआ है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि नंबर ऑफ बॉयज से 4 मोर है, यानी कि 4 ज्यादा है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, हमें नंबर ऑफ बॉयज फाइंड आउट करना है और गर्ल्स को फाइंड आउट करना है। हु टुक पार्ट्स इन अ क्विज, जिन्होंने क्विज में पार्ट लिया है हमें उनको फाइंड आउट करना है। चलिए इस क्वेश्चन को एक एक करके पॉइंट को समझते हुए सॉल्व करते हैं। आई होप कि आपने अपने साथ में पेन और कॉपी जरूर रखा होगा साथ में। तो चलिए अब इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं कि इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या होने वाला है, किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहली चीज, जब हमें कुछ भी नहीं पता होता है ना क्वेश्चन के अंदर, तो हमें करना क्या होता है, हमें सबसे पहले जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं हमें नहीं पता कितनी है, या नंबर ऑफ बॉयज, आप एक्स मान लो वाई मान लो, तो लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, यहां पे सॉल्व करने वाला हूं और मैं सबसे पहले लिखने वाला हूं लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स। देखिए मैं यहां पे लिख लिख करके चीजों को क्यों कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं कि ताकि आप भी मेरे साथ में प्रैक्टिस करें लिखने की, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, तब तक आप कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। समझ तो जाएंगे लेकिन आप उसको भूल जाएंगे। लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, मैं चाहता तो इसको पीपीटी में भी एक्सप्लेन कर सकता था, लेकिन मैं एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं खुद मेहनत करूं, एक स्टूडेंट की तरह मेहनत करूं, देखूं कि क्या फील करते हैं स्टूडेंट्स। एंड लेट द नंबर ऑफ बॉयज, यहां पे मैंने लिख दिया बिल्कुल, एंड लेट द नंबर ऑफ बॉयज इज वाई, यहां पे भी लिख दीजिए आप स्टेटमेंट में बिल्कुल, लेट द नंबर ऑफ बॉयज, लेट द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज क्या होगा वाई। अब यहां पे एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, ये तो हमारे क्वेश्चंस की कंडीशन हो चुकी है, लेकिन इक्वेशंस क्या बनेगी। अगर 10 स्टूडेंट्स हैं पूरी क्लास के अंदर गर्ल्स और बॉयज को मिला के, तो हम क्या कह सकते हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 10 है। यहां पर मैं लिख देता हूं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में ये कहां दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्यों, क्योंकि हमने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा, इसलिए हमें समझ आ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 10 है। सो यहां पे क्या होगा, देयरफॉर वी कैन से एक्स प्लस वाई, कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू होगा 10। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आगे की कंडीशन में हमने एक और चीज पढ़ी है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें, यहां पे अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो आपको क्या समझ आ रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें एक चीज बहुत ही क्लियर कट समझ आ रही है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स इज, यहां पे आप देखिए क्लियर कट दिखा हुआ है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। सो हमारी इक्वेशंस क्या बनेगी कि अगर हमने गर्ल्स को एक्स माना हुआ है, अगर हमने गर्ल्स को एक्स माना हुआ है तो गर्ल्स कितनी है, जितने भी बॉयज है ना उनसे 4 ज्यादा है, तो बॉयज को हमने क्या माना हुआ है, यहाँ पे वाई माना हुआ है, और यहाँ पे हमने एक्स इक्वल टू वाई प्लस 4 लिख दिए, और इसको हमने मान लिया है इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए आपको क्वेश्चन को ना सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, ना ही आपको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है ग्राफिकल मेथड से, यानी कि ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम करने क्या वाले हैं,
पहले तो पहले वाले इक्वेशन से हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम वैल्यू को चेकआउट करके देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पहले इक्वेशन से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि पहली इक्वेशन दी हुई है x प्लस वाई इक्वल टू 10। आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, क्लियर कट समझ आ रहा है कि यहाँ पे दिया हुआ x, x प्लस वाई इक्वल टू 10। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 10 माइनस वाई, क्या हो जाएगी 10 माइनस वाई। तो अब यहाँ पे x और y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब हम x की और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे एक सिंपल सा मैं एक टेबल ड्रॉ कर देता हूं कि अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे अगर y की वैल्यू मैंने 5 पुट कर दी, आप ये सोचिए कि अगर y की वैल्यू मैंने यहाँ पे 5 पुट कर दिया तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 माइनस 5 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगी। अगर मैंने x की वैल्यू मान लीजिए y की वैल्यू अगर मैंने यहाँ पे 6 पुट कर दी, y की वैल्यू अगर 6 पुट कर दी है तो 10 माइनस 6 क्या हो जाएगा यहाँ पे 4, यानी कि x की वैल्यू क्या आ रही है 4 आ रही है। अगर इसी तरीके से y की वैल्यू अगर मैंने 4 पुट कर दी तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 6 हो जाएगी। यानी कि अगर मैं इसको एक प्रॉपर टेबल में ड्रॉ कर दूंगा तो क्या ये टेबल के फॉर्मेट में हो पाएगा, मैं यहाँ पे लाइन मेरे से अच्छी तरीके से नहीं बन पाती है तो मैं यहाँ से ये शेप ले लेता हूँ और इसको मैं एक टेबल के थ्रू ड्रॉ कर देता हूँ। आपको x और y की वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही है, मिल रही है। तो ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू आपको देखने को मिल रही है कि ये x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या एक टेबल हमें मिल चुका है। अब फिर इस टेबल के थ्रू हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो पहले इक्वेशन से ये टेबल हमें मिल चुकी है, अब हम दूसरा इक्वेशन लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। अब सेकेंड इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू y प्लस 4 दिया हुआ है, x इक्वल टू y प्लस 4 दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं y की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ भी मैं x और y के वैल्यू को फाइंड आउट करने वाला हूँ। तो अगर मैंने यहाँ पे x की वैल्यू को अगर y की वैल्यू अगर 1 पुट करी है तो x की वैल्यू 5 हो जाएगी, y की वैल्यू अगर 0 पुट कर दूंगा तो 0 प्लस 4 4 हो जाएगा। अगर मैं माइनस में भी एक वैल्यू लेता हूँ माइनस 1 तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो यहाँ भी एक हम टेबल के थ्रू इन चीज़ों को सही फॉर्मेट में रख लेते हैं कि क्या होने वाला है और किस तरीके से हमें ये दूसरे वाले इक्वेशन से चीज़ें हमें मिली हुई हैं। यहाँ पे आप क्लियर कट देख पाओगे, यहाँ पे मैं लाइन को अच्छे तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ ओके। और ये हमें मिल रही है फर्स्ट x और y की वैल्यू सेकेंड वाले इक्वेशन से मिल रही है ओके। तो ये हमारा एक हो गया और ये हमारा दूसरा हो गया। अच्छा अब ये चीज़ तो हमें दिख रही है, अब इन चीजों को हमें करना क्या है, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए मैं करने क्या वाला हूं, यहां पे एक ग्राफ हम ड्रॉ करने वाले हैं। अब ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, चलिए तो ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए मैं क्या करता हूं, इसको एक ग्राफ के फॉर्मेट में क्या कर देता हूं, चेंज कर लेता हूं, ये वाला फॉर्मेट रख लेते हैं ताकि आपको क्लियर कट समझ आएगा कि ग्राफ पे ड्रॉ करने पे लाइंस कैसी दिखने वाली है, यहाँ पे क्लियर कट आपको आइडिया होगा। इसके लिए और इसके लिए दोनों के लिए मैं ग्राफ ड्रॉ करने वाला हूं। प्रैक्टिकली आप देखिएगा क्योंकि ग्राफ जैसा मैंने बैकग्राउंड में रख लिया, इससे क्या होगा आसानी होगी ड्रॉ करने में ताकि आप भी अपने ग्राफ पे ये चीजों को बना पाओगे। तो यहां से मैं सबसे पहले ले लेता हूँ एक लाइन, और लाइन रूलर में तो नहीं होगा, हाँ यहाँ पे एक सेव्स में से लाइन ले लेता हूँ। और लाइन ड्रॉ करने के लिए मैंने क्या किया हुआ, यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट वाले को मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ से एक मैंने एक सिंपल सी लाइन ले ली ओके, और इस सिंपल सी लाइन के अंदर हुआ क्या है, ये हमारा ड्रॉ हो चुका है। इसी तरीके से एक और मैं लाइन यहाँ पे लेने वाला, और इस लाइन को हम कहेंगे ये तो हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा और एक एक्स एक्सिस का हम लाइन यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं। तो ये लाइन हमारी क्या हो गई, एक्स एक्सिस की लाइन ड्रॉ हो चुकी है। अब ये तो एक्स एक्सिस की लाइन हमारी ड्रॉ हो चुकी है, यानी कि ग्राफ के अंदर अगर आप देखोगे तो ये जो है लाइन, ये जो है जिसपे मैं ये लिख रहा हूँ, ये होगा एक्स और एक्स डैश, इसको मैंने मान लिया एक्स और ये हो गया आपका एक्स डैश। इसी तरीके से ये हो गया आपका वाई और ये हो गया आपका वाई डैश। अब यहाँ पे जो नंबरिंग है उसको हम लिख लेते हैं, ये आपका जीरो हो गया, ये हो गया आपका वन, ये आपका वन हो गया। इसी तरीके से अगर हम देखें कि ये वाला जो पॉइंट होगा ये आपका टू होगा, इसी तरीके से अगर ये वाला पॉइंट देखोगे तो ये आपका थ्री होगा, इसी तरीके से ये वाला पॉइंट आपका फोर, फिर ये इसी तरीके से ये होगा फाइव,
फिर ये हो गया आपका सिक्स, ये आपका सिक्स होगा, सिक्स हो गया। इसी तरीके से ये वाला पॉइंट आपका सेवन हो गया, ये हो गया आपका एट, फिर ये हो गया नाइन और ये हो गया टेन। इस तरीके से अगर इस तरफ जाएंगे जाएंगे तो ये माइनस वन होगा, ये आपका माइनस टू होगा और ये आपका माइनस थ्री होगा। ठीक इसी तरीके से अगर ऊपर की तरफ हम आगे बढ़ते हैं तो आप देखोगे कि ये जो पॉइंट है आपका वन होगा, सेम ये वन होगा और फिर ये होगा आपका टू, फिर ये होगा आपका थ्री और ये होगा फोर और ये होगा फाइव, ये होगा आपका सिक्स। इसी तरीके से ये होगा आपका माइनस वन, ये होगा माइनस टू, ये हो गया माइनस थ्री और इसी तरीके से ये माइनस फोर, माइनस फाइव और ये माइनस सिक्स। अब ये पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, अब इन पॉइंट्स को हमें ड्रॉ करना है कहाँ पे, एक्स फाइव और वाई भी फाइव। तो एक्स फाइव यहाँ आपको यहाँ पे दिख रहा है और वाई फाइव आपको यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ना ये पॉइंट होगा एक्स फाइव और वाई फाइव। ये एक्स फाइव और वाई फाइव का क्या है, एक आपको पॉइंट देखने को यहाँ पे मिल चुका है एक्स फाइव और वाई फाइव। अब आगे बढ़ते हैं, एक्स फाइव और वाई फाइव हो गया तो एक्स की वैल्यू फोर और वाई की वैल्यू सिक्स, एक्स की वैल्यू फोर और वाई की वैल्यू जो है वो क्या मिल रही है सिक्स मिल रही है, यानी कि ये वाला पॉइंट होगा। क्लियर है आपको ये पॉइंट समझ आ गया, एक्स की वैल्यू फोर और वाई की वैल्यू सिक्स, फोर और सिक्स, फिर सिक्स और फोर, एक्स की वैल्यू सिक्स और वाई की वैल्यू फोर, यानी कि ये वाला पॉइंट आप देख पा रहे हो। अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे तो ये बिल्कुल लाइन आपको देखती हुई मिलेगी, यानी कि अगर हम लाइन को ड्रॉ करने जाते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, ये जो लाइन आपको दिख रही है ना, ये दोनों तरफ एरो वाली ले लेते हैं, चलिए यहां से जो लाइन ड्रॉ होगी वो ये वाली लाइन ड्रॉ होगी, राइट, ये लाइन ड्रॉ होगी। अब इस लाइन का कलर आई थिंक मैं अगर चेंज करना चाहूँ तो हो जाना चाहिए यहाँ से, थोड़ा सा आपको अट्रैक्टिव करने के लिए मैं इस लाइन का कलर चेंज कर रहा हूँ, ओके, इस लाइन की मैंने कलर चेंज यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा हूँ, आई थिंक ये हो जाए, देखते हैं पेन की प्रॉपर्टीज, राइट राइट ओके यस राइट, ये लाइन है, क्लियर कट आपको समझ आ रही होगी। अब आगे की जो सेकंड इक्वेशन है इसके लिए मैं पॉइंट्स को ड्रॉ कर रहा हूँ, एक्स की वैल्यू फाइव और वाई की वैल्यू वन। सो एक्स की वैल्यू फाइव है और वाई की वैल्यू क्या है वन है, यानी कि ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये वाला पॉइंट, एक्स की वैल्यू फाइव और वाई की वैल्यू वन, ये हो गया। इसी तरीके से एक्स की वैल्यू फाइव है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो वाई की वैल्यू वन है, एक्स की वैल्यू फोर और वाई की वैल्यू जीरो, एक्स की वैल्यू यहाँ पे आप देखोगे फोर और वाई की वैल्यू जीरो, यानी कि किसी पॉइंट पे होगा। अब इस बार जो पॉइंट दिया हुआ है ना वो माइनस में दिया हुआ, क्या दिया हुआ है थ्री और माइनस वन, एक्स की वैल्यू तो थ्री है, एक्स की वैल्यू थ्री है और वाई की वैल्यू माइनस वन है, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है वो होने वाला है कंप्लीटली। अब ये जो चीजें आप देख पा रहे हो, ये जो चीज आप देख पा रहे हो ना, इसको हमें देखना है और अच्छी तरीके से ड्रॉ करना सीखना है। देखिए यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, इसका भी कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, ब्लैक कर लेते हैं ताकि आपको चीजें नहीं, थोड़ा अलग कलर कर लेते हैं, स्काई ब्लू कर लेते हैं, चलिए लाइन यहाँ से भी ले लेता हूँ मैं और फिर अब इसको ड्रॉ करने वाला हूँ। तो ये जो लाइन ड्रॉ हो रही है ना, ये जो लाइन आपको ड्रॉ कर होती हुई दिख रही है, ये क्या हो रहा है, यहीं पे वो इंटरसेक्ट होने वाली लाइन है, ओके। तो ये दोनों लाइन क्या हो रही है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है और जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है ना वही वो सॉल्यूशन है जिसका नाम है सेवन और थ्री, यानी कि नंबर ऑफ जो बॉयज हैं वो कितने हैं, थ्री हैं, क्योंकि हमने नंबर ऑफ बॉयज को, ये एक्स की वैल्यू है और ये वाई की वैल्यू है, तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं थ्री और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, आप कह सकते हो कि नंबर ऑफ गर्ल्स सेवन है क्योंकि बॉयज से तीन ज्यादा है। सो हम कह सकते हैं अपने आंसर में कि गर्ल्स जो है, गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स हैं टोटल थ्री और जो बॉयज हैं वो कितने हैं, गर्ल्स से तीन ज्यादा हैं यानी कि सेवन, और अगर दोनों को प्लस करते हो तो इनका क्या हो रहा है, टेन भी आ रहा है इसका आंसर। तो इस तरीके से हमने पहले क्वेश्चन को तो सॉल्व कर लिया, अब बारी है इसके सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे ना, सारी चीजें आपको बनने लगेंगी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फाइव पेंसिल एंड सेवन पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज, पांच पेंसिल्स और सात पेन
कि जो कीमत है ना वो 50 रुपए है, वहीं 7 पेंसिल्स 7 पेंसिल्स एंड 5 पेंस टुगेदर कॉस्ट 46। 7 पेंसिल और 5 पेंस की कीमत 46 है। हमें पेन और पेंसिल की कॉस्ट फाइंड आउट करना है, बहुत सिंपल है। देखिए हम पेन और पेंसिल को एक्स मान लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेन इज एक्स और पेंसिल की वाई मान लो, चाहे आप पेंसिल को एक्स मान लो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब मैं इस पैटर्न को है ना, ये ग्राफ के पैटर्न को चलिए इसी पे लिख देता हूँ, यार क्या दिक्कत है। अब इसके हम आंसर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल की जो कॉस्ट है ना उसको हमने मान लिया है x। इसी तरीके से एंड द कॉस्ट ऑफ वन पेन इक्वल टू y। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा x, देखिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन में क्या दिया हुआ है। फर्स्ट कंडीशन में ये दिया हुआ है कि 5 पेंसिल्स और 7 पेंस की जो कॉस्ट है वो 50 रुपीज है। तो 5 पेंसिल एंड 7 पेन, तो ये हो गया आपका 5x+7y इक्वल टू 50। इसी तरीके से दूसरी चीज अगर मैं बात करूं कि 7x+5y इक्वल टू 46, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन, और सेकंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग ये हमारी इक्वेशंस बनेंगी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन दोनों ही कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास दो इक्वेशंस बन चुकी हैं। अब हम अगर फर्स्ट कंडीशंस को देखें, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दो टेबल्स यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसी तरीके से फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखिए यहाँ पे ध्यान से, अगर मैंने यहाँ पे ये जो फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है 5x+7y इक्वल टू 50, अगर मैं यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो क्या लिख दूंगा, 5x इक्वल टू 50 माइनस 7y। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू होगी यहां पे 50 माइनस 7y अपॉन 5। ये हो गया आपकी इक्वेशन फर्स्ट से, अगर हम y की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो x की वैल्यू आपकी ऑलरेडी निकल करके आ जाएगी। तो यहाँ पे चलिए हम सॉल्व कर, यहाँ पे भी मैं इसको एक टेबल में रख लेता हूँ अच्छे से। तो ये हो गया आपका फर्स्ट x की वैल्यू यहाँ से हमने फाइंड आउट कर ली। इसी तरीके से यार दूसरी जो इक्वेशन दी हुई जिसमें लिखा हुआ है 7x+5y इक्वल टू 46, तो यहाँ पे आप देखोगे अगर, तो ये होगा 7x इक्वल टू 46 माइनस 5y। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू होगी 46 माइनस 5y अपॉन 7। तो इस तरीके से चीजों को बहुत ही सिंपल तरीके से आप देख सकते हो। अब ये तो हमारे पास आ चुकी हैं इक्वेशंस, अब इन इक्वेशंस के थ्रू हम फाइंड आउट करने वाले हैं कंप्लीटली फाइंड आउट करने वाले हैं यहाँ पे टेबल्स यहाँ से फाइंड आउट करने वाला हूँ। देखिए टेबल्स को फाइंड आउट करना बहुत आसान है, और टेबल्स में किस तरीके से वैल्यू आती है ये भी आपको पता है, इसके पहले वाले क्वेश्चंस में भी मैंने आपको करके बताया था। तो ये जो टेबल्स है ना यहाँ पे मैं ड्रॉ करने वाला हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से, ताकि कोई भी डाउट आपके दिमाग में ना रहे। अब ये टेबल हो गई एक, इसी तरीके से मैं एक और दूसरी टेबल लेने वाला हूँ, यहाँ पे मैं एक्स की और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करने वाला हूँ। देखिए एक्स की और वाई की वैल्यू कुछ फाइंड आउट करूंगा मैं यहाँ से, तो चीजें आपको बहुत ही क्लियर कट आइडिया लग जाएगा कि एक्स और वाई की वैल्यू एक्चुअल में क्या होने वाली है यहाँ पे। एक सेकंड में इसको रफ कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ से अगर रफ करूंगा तो अच्छी तरीके से लिख पाऊंगा मैं। एक वैल्यू तो ये आएगी यहाँ से, इसमें लिख दूंगा
दूसरी वैल्यू इसमें लिख दूंगा, तो ये इस तरीके से अच्छा भी दिखेगा। और ये x और y की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे। अगर मैंने x की वैल्यू में कुछ भी पुट कर दिया, जैसे मान लीजिए 8 पुट कर दिया यहाँ पे, अगर 8 पुट कर दिया x की वैल्यू में, अगर मैंने यहाँ पे y की वैल्यू में अगर मैंने 5 पुट कर दिया, 5 पुट कर दिया y की वैल्यू, मान लीजिए ये मैंने 5 पुट कर दिया, तो 7 5 जो 35, 50 में से 35 को जब हम माइनस करेंगे, 50 में से 35 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 15, और 15 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर होगा आपका 3। यहां पे मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, ये जो y दिख रहा है ना, यहां यहां पे y की वैल्यू मैंने 5 पुट करी है तो x की वैल्यू 3 आई है। अगर y की वैल्यू मैं पुट कर दूं यहां पे -2 पुट कर दूं, y की वैल्यू अगर मैंने -2 कर दी तो यहां पे 8 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैंने y की वैल्यू को 0 पुट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा 10 होगा। तो अब देखिए ये तो इक्वेशन हमारी एक बन गई टेबल, ओके। और ये तो हमने फर्स्ट वाले इक्वेशन से ड्रॉ किया है टेबल को, कि 0 पुट किया तो 10 आ गया, और 5 पुट किया तो 7 5 जो 35 आ गया, और 7 5 जो 35 आ गया, 35 को माइनस किया तो 5 3 जो 15 आ गया। और इसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पे पुट कर दिया इक्वेशंस में 46 माइनस 5 वाई वाले में अगर पुट कर दिया मैंने, तो यहाँ भी सेम सिचुएशंस होने वाली है। अगर मैंने यहाँ पे 0 पुट कर दिया तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, 0 पुट कर दिया तो 6 हो जाएगा, ओके। यहाँ पे मैंने वैल्यू थोड़ी गलत पुट कर दी है, तो अब मैं यहाँ से है ना ये रफ करने वाला हूँ, ये जो वैल्यू है ना ये रफ कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाएगा। एक सेकेंड, अभी मैं इसको फिर से करता हूँ। ये जो है ना इक्वेशंस, यहाँ पे अगर मैं वाई की वैल्यू पुट कर देता हूँ, वाई की वैल्यू अगर मैं पुट कर देता हूँ यहाँ से 0, पहले वाई की वैल्यू अगर 0 पुट कर देते हैं तो देखो यहाँ से सिंपल सी इक्वेशन निकल करके आ जाएगी यार, एक्स और वाई। अगर वाई की वैल्यू मैं 0 पुट करूंगा तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, सिंपल सी बात है। अगर मैंने वाई की वैल्यू 5 पुट कर दी तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 3 जो 15, तो ये 3 हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पे y की वैल्यू 10 पुट कर दी तो 70 हो जाएगा, और 70 में से 50 माइनस करो 20, और ये 4 माइनस 4 होगा, क्लियर है। तो इस तरीके से हम चीजों को क्या कर सकते हैं, सिंपल रख सकते हैं, और ये हमारे पास एक टेबल निकल करके आ चुकी है, ये एक आपकी कंप्लीट टेबल हो चुकी है। अब इस टेबल में अगर आप देखो तो एक्स और वाई दोनों की वैल्यू मिल चुकी है, एक्स की वाई दोनों की वैल्यू आपकी मिल चुकी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहां पे x और y की बात कर लेते हैं। यहां पे अगर मैं y की वैल्यू पुट कर देता हूं, मान लीजिए कि 0, तो यहां पे 46 नहीं होगा, -2 पुट करता हूं तो 10 और 56 ये हो जाएगा, 8 बार में कैंसिल आउट। अगर -2 पुट करूंगा तो ये होगा आपका 8, और इसी तरीके से अगर y की वैल्यू मैंने यहाँ पे 5 पुट कर दी तो ये हो जाएगा 3, और इसी तरीके से अगर मैंने 12 पुट कर दी यहाँ पे तो ये हो जाएगा -2। बहुत सिंपल है, दो टेबल्स मिल चुकी हैं और दोनों ही टेबल्स के थ्रू हमें ड्रॉ करना है ग्राफ। तो ये टेबल्स मिला है यहाँ पे हमें, और इस टेबल के थ्रू हमें ग्राफ को ड्रॉ करना है। तो x की वैल्यू मिल चुकी है, y की भी वैल्यू मिल चुकी है, मैंने तीन वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ये वैल्यू कैसे आ रही है, y की वैल्यू को यहाँ पे अगर -2 पुट करोगे तो 5 2 10 होगा, और माइनस माइनस प्लस 46 प्लस 10 56 में 7 का डिवाइड करोगे तो 8 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पे 5 पुट कर दिया मैंने, 5 5 जो 25, 46 में से 25 को माइनस करोगे, डिवाइड करोगे तो 21 को डिवाइड करोगे 7 से तो 3 आ जाएगा। यहाँ पे y की वैल्यू अगर मैं पुट कर रहा हूँ तो ये x की वैल्यू ये मिल रही है, y की वैल्यू ये पुट कर रहा हूँ तो x की वैल्यू ये मिल रही है। ये चीज क्लियर हो गई। तो अब हम इस पे क्या ड्रॉ करते हैं, ग्राफ को ड्रॉ करने वाले। तो ग्राफ को ड्रॉ करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। यहां से मैं सबसे पहले लेने वाला हूँ यहाँ से एरोज और लाइंस को ड्रॉ करने वाला हूं कंप्लीटली। तो चलिए सबसे पहले तो पहले वाले ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, क्लियर है। इस वाले ग्राफ को हम ड्रॉ करते हैं, और यहां पे अगर हम देखें ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश करें तो चीजें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो पाएंगी कि क्या क्या चीजें हैं जिस पे हमें फोकस करने की जरूरत है। तो यहाँ पे बहुत ही क्लियर है कि एक तो ग्राफ हमारा ये जो टेबल है ना, इस टेबल को मैं थोड़ा सा सीधी कर देता हूँ। यस, अब करेक्ट हो गया, ऑलमोस्ट करेक्ट बट नॉट कम्प्लीटली।
इसको फिर भी हम ये टेबल कितनी टेढ़ी हो रही है यार। ओके यस करेक्ट, फिर भी गड़बड़ हो रही है, ऐसा क्यों? देखिए सबसे पहले तो इसको डिलीट ही कर दो। अब हम क्या करते हैं ना, यहां से जाते हैं और एक सेकेंड लाइन को मैं ड्रॉ करता हूँ। एक लाइन मैंने ड्रॉ कर ली है, अब इसके बाद में एक और लाइन यहाँ से लेता हूँ और फिर ड्रॉ करता हूँ, तो ये लाइन बिल्कुल परफेक्टली ड्रॉ होगी, आई होप। यस चलिए ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। तो ये इस लाइन में अगर आप देखोगे, ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये जो होगा ये आपका वाई एक्सिस हो जाएगा। ये आपका एक्स एक्सिस और इसी तरीके से ये आपका वाई एक्सिस हो जाएगा। ओके अब देखिए, ये तो हो गया आपका जीरो, इस तरीके से ये वन, ये हो गया आपका टू, थ्री हो गया, इसी तरीके से ये फोर, ये आपका फाइव, ये सिक्स, ये सेवन, ये एट, ये नाइन, ये टेन, ये इलेवन, ये ट्वेल्व, इस तरीके से चीजें हैं सारी की सारी। ये वन, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर एंड माइनस फाइव, इसी तरीके से ये भी माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस का फाइव, ये हो गया वन, फिर टू, इसके अलावा ये हो गया आपका थ्री, फिर फोर, ये फाइव, ये सिक्स, ये सेवन। ये तो पॉइंट है यार, इसको मैंने लिख दिया। अब है ना ग्राफ में जो वैल्यू है ना उसके बेसिस पे हमें ड्रॉ करना है। तो जीरो और टेन सबसे पहले देखना, जीरो ये हो गया और एक्स की वैल्यू टेन, यानी कि ये जो पॉइंट है ना इस पे आप फोकस करो, इस वाले पॉइंट पे, जीरो और टेन हो गया ये वाले पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, फाइव और थ्री, फाइव और फिर ये थ्री, ये वाला पॉइंट है फाइव और थ्री का, ये जो पॉइंट है ना आपको दिख रहा होगा फाइव और थ्री का, ये वाला पॉइंट। इसी तरीके से अगर हम देखें नेक्स्ट, टेन और माइनस फोर, सो टेन और माइनस फोर, टेन और माइनस फोर, 10 किसका, माइनस फोर एक्स का, और 10 किसका, इधर 7 के बाद से 8, फिर 9 और 10, यानी कि यहाँ पे होगा कंप्लीटली ये वाली लाइन है यार, यहाँ पे माइनस 10 होगा क्योंकि ये हो गया 8 आपका, ये हो गया 9 और ये हो गया आपका 10, तो ये होगा माइनस 10 भाई, 10 ये होगा और माइनस 4 ये होगा भाई x का, तो ये तो कंप्लीटली आप देख पा रहे हो x का माइनस 4 और फिर यहाँ पे ये वह यहाँ पे x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5 थी यार, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, यानी कि यहाँ पे थी x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5 यहाँ पे थी भाई और कहीं नहीं थी। और ये जो लाइन आप देख रहे हो ना, ये लाइन नहीं है, ये गलत हमने ड्रॉ कर दी, तो इसको मैं रफ करूँ। ओके ओके ओके, तो ये जो आप लाइन देख रहे हो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगी, अभी मैं ड्रॉ करता हूँ। तो लाइन यहाँ से मैं करने वाला हूँ ड्रॉ कम्प्लीटली, एरो के एरो वाइज ड्रॉ करने वाला हूँ। एक सेकंड, यहाँ से सबसे पहले तो कलर चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। ओके ओके, ले लिया हमने कलर चेंज, यहाँ से एरो पे जाएंगे ये वाले और फिर हम ड्रॉ कर देंगे। जब हम ड्रॉ करेंगे ना इस लाइन को, तो भाई साहब एकदम कर, एकदम एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट लाइन ड्रॉ होने वाली है, बिल्कुल कोई भी इसमें शक नहीं है, एकदम लाइन बिल्कुल परफेक्ट ड्रॉ होगी। ओके, और ये इसके पॉइंट्स हैं यार, ये हैं पॉइंट्स इसके, ये हैं पॉइंट्स इसके, ये हैं पॉइंट्स इसके, सिंपल सी बात है। दूसरा इसका जो है उसको ड्रॉ करते हैं। ये तो हमारी फर्स्ट वाली क्वेश्चन है इस वाली टेबल से। अब हम इससे एट और माइनस टू, 8 है x और y माइनस टू, 8 और माइनस टू, यानी कि ये वाली पॉइंट है। और फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद है 3 और 5, 3 और 5, यानी कि x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 5, यानी कि ये वाला पॉइंट, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5। इसी तरीके से एक और हम पॉइंट्स को अगर देखते हैं, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, माइनस टू और माइनस ट्वेल्व, माइनस टू और ट्वेल्व, माइनस टू क्या है एक्स की वैल्यू और ट्वेल्व है वाई की वैल्यू,
12 है क्या? 12 है, y की वैल्यू 12 है, ओके okay. y की वैल्यू 12 है और x की वैल्यू -2 है, x की वैल्यू -2 है. यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स लग रही है क्या, देख लेते हैं. सबसे पहले तो 8 और -2, x की वैल्यू 8 और -2, ओके करेक्ट. 3 और 5, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, ये हो गया ओके. और इसी तरीके से x की वैल्यू -5 नहीं है यार, x की वैल्यू प्लस की 5, तो मैं -5 की तरफ क्यों मूव कर रहा हूँ. x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, ये होगी ना, ये वाली पॉइंट होगा ना, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5. फिर x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 12, तो x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 12 यानी कि 10, 11 और 12 यहाँ पे होगी. यहाँ पे एक तो पॉइंट ये हो गया भाई, ये क्लियर कर दिख रहा है. ये पता नहीं कहाँ से पॉइंट है, इसको भी मिटा देते हैं. चलिए एक पॉइंट तो ये हो गया, और दूसरा जो पॉइंट है वो आपका ये क्लियर है. तीसरा जो पॉइंट है वो आपका ये है, यहीं पे इंटरसेक्ट हो रही लाइंस. तो चलिए अब लाइंस को ड्रॉ करते हैं. यहां से क्लियर कट आपको समझ आएगा कि कैसे लाइन ड्रॉ हो रही है, और फिर हम इसके बेसिस पे अपने आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं. ये लाइन ड्रॉ हो चुकी है, ये लाइन कंप्लीटली ड्रॉ हो चुकी है. हम चाहें तो इसके कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है. ओके तो ये हो गया आपका कंप्लीटली प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज में हमने कर दिया इस पर ग्रीन लो. ओके तो ये जो इंटरसेक्ट कर रही है लाइन है ना, यही आपका क्या है, यही आपका सोल्यूशन है. और ये कहाँ पे, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 5, यानी कि जो नंबर ऑफ, यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो पेंसिल है, वन पेंसिल की कॉस्ट, पेंसिल जो है वो आएगी यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज एक्स यानी कि 3, और कॉस्ट ऑफ वन पेन इक्वल टू दैट इज आप कह सकते हो वाई है यानी कि 5. तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा, जिसको ग्राफिकली कंप्लीटली रिप्रेजेंट करके हर एक चीज को एक्सप्लेन करते हुए मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. इक्वेशंस को कैसे बनाना है, कैसे समझना है, हर एक पॉइंट. पहले वाले क्वेश्चन के लिए ड्रॉ किया, दूसरे वाले का और शानदार ड्रॉ हुआ है हमारा. सो आई होप कि ये जो क्वेश्चन आपको समझ आया होगा. अगर आप नोट्स बना रहे हैं ना, तो इस नंबर के साथ जरूर शेयर करिए, इस नंबर के साथ, ताकि हम आपके डाउट्स को भी क्लियर कर पाएंगे. ओके थैंक यू सो मच, एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम. गॉड ब्लेस यू.